नंबर टू, उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज कुरसट के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार लगातार अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं अभी शराब माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मामला माधोगंज थाने की कुरसट चौकी क्षेत्र का है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया और चौकी इंचार्ज के साथ भी हाथापाई की है, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराब माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर कब माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कल रात थाना माधवगंज पे चौकी क्षेत्र कुरसर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अभियुक्तों के द्वारा वहाँ अवैध शराब का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा रेड की गई थी, जहाँ पे कुछ शराब बनाने के उपकरण मिले थे और अभियुक्त मिला था, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा लाया जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अभियुक्त के परिजनों के द्वारा वहाँ पर पुलिस से अभद्रता की गई और पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप किया गया, जिसमें 12 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 की अरेस्टिंग की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उनकी अरेस्टिंग करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.